हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह निकली हूँ थोड़ा सा दूध पनीर टाइप्स लेने के लिए। वेदा सो रही है, त्यागी जी के पास है, और क्योंकि उन्हें ठंड में बाहर निकलना ज़्यादा पसंद है और मुझे गर्मी में ज़्यादा निकलना पसंद है, तो हम दोनों के लिए बढ़िया काम कर जाता है। मैं ठंड में बाहर निकलने के लिए एकदम ओके राइट होती हूँ, तो इसीलिए मैं आई हूँ। मुझे लगा कि मेरी वॉक भी हो जाएगी क्योंकि अभी मैंने फलहार किया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो वॉक भी हो जाएगी, अपना खाना भी पच जाएगा और थोड़ा सामान भी आ जाएगा, और साथ ही साथ लगे हाथ थोड़ी कॉफ़ी भी ले लूँगी। तो बस पहले राशन ले लेती हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने लेना है, उसके बाद कॉफ़ी लेके घर चलेंगे। आज है संडे, तो संडे स्पेशल के लिए आज त्यागी जी बना रहे छोले पूरी, और रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो पालक तो है, पनीर नहीं है, तो बस वही लेने के लिए जा रही हूँ, और देखूँगी अगर एक आध कोई अच्छी सब्ज़ी मिले। वैसे तो मैं बैंगन लेके आई थी, बट वो कहते हैं कि तुम नैना जैसी नहीं बना पाओगे बैंगन, मैं को कोशिश कर लेंगे तो वो बनाएंगे फिर शायद कल के लिए। संडे स्पेशल बन रहा है छोले भटूरे। यहाँ पे मैंने प्याज कर दिया है, अदरक कर दिया है, यहाँ पे मैंने छोले लगाए हैं जो कि उबलने के लिए लगाए हैं, थोड़ी देर में उबल जाएंगे फिर हम बात करेंगे। अभी इसमें लहसुन भी करना है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। जैसे कि आपको दिख ही रहा था कि पिछली वाली वीडियो में त्यागी जी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं किस तरीके से वॉइस ओवर देती हूँ, तो मैंने सोचा आगे की वीडियो को वॉइस ओवर मैं खुद ही दे देती हूँ। मैंने सारे मसाले एक साथ ग्राइंड करके डाल दिए इसमें पेस्ट बना के, और थोड़े से अनियन एक्स्ट्रा इसके ऊपर, और इन्होंने बनाया मसालों का मिक्स जिसमें आपके ऑलमोस्ट जो भी घर में मसाले अवेलेबल उन सबको आप एक साथ ऐड करें। इन्होंने अपने काइंड ऑफ गर्म मसाले बनाए और इसमें इसको ये ऐड कर लेंगे, बाकी नमक और मिर्च स्वाद अनुसार। इसमें इन्होंने टमाटर का उपयोग नहीं किया है क्योंकि इन्हें टमाटर पसंद नहीं है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट संडे स्पेशल? आज तो रेस्टोरेंट भी कर दिए हैं फेल हमने। ओ वाओ, मैंने से। अच्छा, आज किए इन्होंने रेस्टोरेंट फेल। क्या बनाया तुमने? चने। छोले नहीं है? कोई चने कहता है, कोई छोले कहता है। अच्छा, से बोले। और ये पूरी के वो चले अभी डेमो क्लासेस, तो फाइनल कब तक मिलेगा हमें प्रोडक्ट? फाइनल तैयार है 10 मिनट 12 मिनट। मैं पनीर भी लेके आई हूँ, पनीर भी ऐड करना है। पनीर ऐड करना है तो कर। यस, और फिर मैं चटनी के लिए भी लेके आई हूँ ये हमारे चने और ये हमारी पूरी। वाह वाह, क्या पूरियां बन रही है, खुद ही को नजर ना लग जाए मेरी कहीं अपनी पूरियों को। हमारा संडे स्पेशल रेडी है, गर्मा गर्म पूरी, थोड़े छोले, प्याज और चटनी मस्ट है। फर्स्ट बाइट लेके बताइए कैसे बना है। बहुत अच्छा। खा तो लो पहले, क्योंकि मैंने बनाया ना। ऑफ कोर्स, पूरियां तो मेरी बनाई हुई है ना, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती जनाब। अच्छा ना, पूरियां कैसी? नाइस, क्रिस्पी एंड क्रंची ना। एक नंबर है, एक नंबर है। चलो ठीक है, अब हम भी खा लेते हैं। मुझे जेन ने एक दिया है मिस्ट्री बॉक्स टाइप, लाइक इसमें ये चार अलग अलग है कॉर्नर्स के लिए। जो मेरे बेड के साइड में कबर्ड है ना, उसका एज बहुत ही पॉइंटी है, तो उसने वहाँ पे देखा था लास्ट टाइम जा रही थी कि मैंने हैंकी जैसा लगा रखा है ताकि वो एज ना बजे। बट मतलब मैं थोड़ी सी ऐसी रहती हूँ कि किसी को लग ना जाए एज, क्योंकि बेड के बहुत पास है उसको, तो इसलिए मैंने वहाँ कपड़ा जैसा लगा रखा है। बेबी प्रूफिंग हम बाद में करेंगे। तो ये मेरे लिए लेके आई थी वो, अभी कहती कि इसमें ये चार है, नाउ इट इज़ ऑन योर लक विच यू गेट। मैं ठीक है, मैं खोल के देखती हूँ इसमें है क्या, और ये एकदम परफेक्ट है उस एज में लगाने के लिए। मैं तो बहुत खुश होगी थी इसको देख के। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। हाँ विदा, हाँ, ओह इसमें तीन अंडे जैसे। वेट, सो क्यूट। अभी मेरी साइड में बैठे रहेंगे ऐसे मेरे साथ, अभी ऊपर जाके लगा के दिखाती कैसे लग रहे, बहुत ही क्यूट सा है। अभी इसमें पता नहीं क्या है अंदर से ऐसे कोई। हेलो जी, क्या कर रही हो? ये खिड़कियां बंद कर देती, ठंड लग रही है। खोली क्यों, खोली क्यों? अरे तेल तेल की बहुत बदबू आ रही थी क्योंकि हमने पूरियां तली थी ना अभी, तब सोच रही बंद कर लेती हूं क्योंकि अब मुझे लग रहा है थोड़ा पावर नैप टाइम आने वाला है।
क्या बात है, पूरी खाओ सो जाओ। यार पूरी खाओ, जीवन पूरी करो और इसका सो जाओ। अच्छा और नहीं तो क्या, क्या खराबी है इसमें, खराबी क्या है, संडे को और करने। ये तो खुले रहने दो, क्यों ऊपर जाएंगे, खुले रहने दो। लाइट सी आती रहेगी, ऊपर वाले खोल दो, नीचे वाले रहने दो चाहे। अब खा पी के थोड़ा विश्राम किया जाए, क्योंकि वैसे ही मैंने मतलब साथ साथ में एक आध एक्स्ट्रा तो खा ही दिए, तो अब मुझे ऐसा नींद का प्रकोप हो रहा है ना कि बहुत जल्दी। तुम उठो मैं सोऊंगा, ठीक है, ये रात के लिए बन रही है सेविया। वैसे तो इसका प्रोसेस बहुत ईजी है, द ओनली थिंग इज कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जिसका दूध है ये काढ़ने के लिए रखना होता है कम से कम 1-1.5 घंटे तक या उससे भी ज़्यादा, अगर आप बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा फ्लेवर चाहते हो दूध का। सबसे पहले तो सो के बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ मुझे, मतलब इतनी बढ़िया नींद आई ना, एक तो पेट भरा हुआ था और ऊपर से जब आप ऐसा कुछ हैवी खाते हो तो बहुत ही खतरनाक नींद आती है उस दिन, और बाहर मौसम भी आज ख़राब सा था। तो अभी बस सेमिया बना रहे थे, उस टाइम मैं पढ़ रही थी कुछ कमेंट्स अपने वीडियो पे। हाय हबी, थैंक यू आप सभी लोगों का शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए। एंड तुम सही थे कि सेंधा नमक खा सकते हैं व्रत में, हाँ, मतलब सभी लोगों ने इसमें काफी लोगों ने लिखा है, और कुछ एक लोगों ने ये भी लिखा है कि वो सेम डे कुछ नहीं खाते, वो नेक्स्ट डे अपना फास्ट तोड़ते हैं। तो वो हमारे साइड ऐसे होता है कि सेम डे नहीं खाया जाता, नेक्स्ट डे फास्ट तोड़ा जाता है, और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मेरे ख्याल से फ्रूट्स और दूध ही होता है, ऐसा कुछ खाते नहीं है। और काफी सारे लोगों को मैसेजेस आए जो यूपी साइड से कि उनके कुट्टू के आटे से खाया जाता है। मैंने मम्मी से ही पूछा, मतलब मेरी मम्मी से, तो मम्मी कह रही थी कि हम भी बनाते हैं कुट्टू के आटे के, और साबूदाना की खिचड़ी, खीर और ये भी बनते हैं, कुछ भी बना लो, और हाँ वड़े बनते हैं, मालपुए बनते हैं, हमारे मास की भी डिशेज बनती है काफी सारी। हाँ मतलब तुम्हारा सारा कुट्टू बेस्ड है और हमारा माश बेस्ड होती है, मतलब जैसे माश के बड़े बनेंगे, मालपुए बनेंगे, और भी बहुत सारी चीजें कहते हैं सारी बनते हैं, और वो फूलने वाले सनसे कहते हैं हमारे, तुम्हारे क्या कहते हैं, तलपाकी सनसे, बहुत ही टेस्टी होते हो। अरे वो छोटे से होते हैं, फिर तेल में डालो और बड़े हो जाते हैं फ्राई करके, पापड़ जैसे होते हैं लेकिन पापड़ डिफरेंट कलर शेप के नहीं होते, एक डालो मतलब एक डालो नहीं, इन द सेंस कि छोटे छोटे शेप्स होती है उसकी, अलग अलग सनसे कहते हैं, मैं फोटो दिखाऊंगी तुम्हारे। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्यूटीफुल डे। मैं बस अभी नहा के निकली क्योंकि वेदा को मैंने नहलाया था, और आज वेदा ने डिसाइड किया था कि मम्मी को साथ में नहीं नहलाएगी बट मम्मी के ऊपर पेंटिंग करेगी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, येलो पेंट से पेंट किया था उसने आज मुझे सारा, तो इसलिए मैं नहा के अभी बस निकली हूँ। फिर जब मैं नहाने गई थी तो मुझे मिली ये पैंट्स जिसमें च्विंगम लगी हुई थी जो त्यागी जी की है। आपने कहा था कि आइस रब करना और या फिर इसके ऊपर प्रेस करना, तो मैं इसके ऊपर आज ट्रायल करने वाली हूँ। पहले हम आइस वाला करेंगे, अगर उससे नहीं हुआ तो किसी ने सजेस्ट किया था इसको फ्रीज़र में ओवरनाइट रखो तो वो भी ट्राई करेंगे, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर किसी ने कहा था इस पर आयरन करके देखो तो वो मेल्ट हो जाना चाहिए पेपर लगा के ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले इसके ऊपर आइसिंग करते हैं। आइस निकाल रही थी पैंट पर रब करने के लिए, पर ये तो आइस इसके लिड में चिपकी हुई है सारी। एनीवे तो ये है हमारे प्रोडक्ट की सिचुएशन, ऐसे मतलब है तो ये च्युइंगम ही बट ये थोड़ी फैल सी गई है और अंदर से ऐसे इसमें च्युइंगम लगी हुई है। तो आइसिंग करके देखते हैं, अगर वो टेक्निक काम करेगी नहीं तो फिर इसको आज रात को फ्रीज़र में छोड़ देंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक इसमें से च्युइंगम निकाल दी है बट ये तो एक स्पॉट है, मेरे पास 4 स्पॉट है ऐसे, मुझे तो लगता है आज पूरा दिन ही इसमें निकल जाएगा। निकल तो रहा है बट फिर भी इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और आइसिंग करते करते हाथ ही जम रहे। लेट्स सी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या बनता है। मुझे लगा था कि एक आइस क्यूब रब करने से मेरा काम बन जाएगा, पर एक आइस क्यूब रब करने से बना नहीं, तो मुझे हर एक स्पॉट पे अलग अलग आइस क्यूब रब करनी पड़ी, फिर जाके इतना कम सा ये निकला है। 1 घंटे से पील ऑफ कर रही हूँ, इतनी च्युइंगम निकली है, और ये अभी किसी पपेट फेस से कम नहीं लग रहा है। हेलो माय नेम इज कोको। एनीवे इतना ही निकल पाया, अब मैं सोच रही हूँ इसको सूखने देती हूँ और फिर एक बार प्रेस के साथ ट्राई करूँगी। मेरे पास ये यहाँ पे आई गेस 2 loads ऑफ लॉन्ड्री फोल्ड करने के लिए, और आज मेरी मदद करने वाली है
वेदा रानी है ना बेटे, मामा की हेल्प करोगे? इसने कहा कि मामा आई विल बी योर साइड सपोर्ट, मैं और वेदा बातें करेंगे और यहाँ मामा कपड़े फोल्ड करेगी और उसके बाद मामा वेदा को देखेगी वेदा को क्या चाहिए, राइट? यस मामा, यस। गर्मी लग रही बेटे, गर्मी लगी है? अब ठीक है, अब ठीक है? ओ मेरी चुन्नू के छोटे छोटे पाँव, ठंडू लगा, ठंडू। अच्छा ठीक है बंद कर लो, बंद कर लो। वेदा बहुत ही अच्छी सपोर्ट रही है मम्मी के लिए, बस अब इसका पेशेंस खत्म हो रहा है, पर मम्मी के कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, बस इन्हें अब मैं रखूंगी इनकी रिस्पेक्टेड जगहों पे, और उसके बाद हम वेदा रानी को टाइम देने वाले हैं। अब मम्मी का सारा टाइम वेदों के लिए। मुझे नहीं पता अगर ये है आप लोगों के भी काम आएगा, मैं क्या करती हूँ, जैसे ये शर्ट जो ज्यादा वी हो, डीप हो, उसके अंदर ना दो कॉटन पैड लगा लेती हूँ, जो कि मुझे नैना ने बताया, हर्ष राय वीरा चंदू, और मासी को किसने बताया था, मासी को उनकी सासू मॉम ने बताया था, वॉलमार्ट से खरीदे थे ऐसे स्क्वायर वाले कॉटन पैड्स, बहुत सारे यूज, मतलब बहुत सारी चीजों में काम आते हैं मेरे ये, तो उन्होंने कहा था कि जैसे डीप होते हैं ना तो बच्चे की चेस्ट कवर नहीं होती है, उसके लिए ये एक दो उसमें लगा लो, जितने में उसकी चेस्ट कवर हो जाए वो गर्म भी रहती है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सोल्यूशन, तो ये ना ठंडी नहीं होती है, यहाँ से ठंडी नहीं होगी, ऑफकोर्स ये बात है खांसी जुकाम कंजेशन वगैरह के चांसेस बहुत कम होते हैं, और मैं ये यूज करती हूँ जब मैंने इसको सिर्फ मतलब भूल जाती हूँ मैं शब्द, और मैं इसे यूज करती हूँ जब मैंने इसको सिर्फ स्पॉन्ज बाथ देना हो, जब मैंने इसे सिर्फ स्पॉन्ज बाथ देना हो उसके लिए मैं यूज करती हूँ। कभी कभी होता है ना आपने सिर्फ फेस वाइप करना है या आपने सिर्फ बट वाइप करना है या जो भी है पानी के साथ, तो इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, और भी एक दो चीजों के लिए यूज आ सकता है ये, बट दिस इज अ वेरी गुड परचेज, आई गिव इट अ थम्स अप, राइट वेदा, डू यू गिव इट अ थम्स अप? और बाकी इसके काजल के लिए जो आप लोगों ने कहा था कि काजल लगाने के बाद पाउडर उसके ऊपर लगाया करो, वो बात आपकी सही है, बट आई गेस मैं पाउडर पहले लगा रही थी और काजल बाद में, तो आज मैं इसको काजल पहले लगाऊंगी और फिर बाद में पाउडर। हाँ बेटे, तो इसकी मासी ने हमारे लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बैच बना के दिया हुआ था, और इसमें मैंने ईयरबड लगा रखा है ताकि डॉट एकदम सही और गोल बने, तो इसको भी मैं काजल लगा लेती हूँ, और उसके बाद अब थक गई हूँ, पानी पीऊंगी मैं सबसे पहले। डिनर टाइम हो गया क्या? आओ चलो देखते हैं आज हम क्या खाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ? खा लो, खाओ बेटे खाओ, ये खाना खाना पड़ेगा आज तो आपको। नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, आओ मेरी दी, आज मेरी छुनी, आज आज खा ले बेटे खा ले, गुड गर्ल। ये है वो कपड़ा जो हमें यहाँ पे बचा रहा है इससे, और ये रहा वो गिफ्ट, इसमें मैंने पीछे डबल टेप लगाया, मेरे घर में थोड़ा एक्स्ट्रा डबल टेप पड़ा हुआ था, तो अब इसको मैं चिपका देती हूँ, या तो ये ऐसे टिक सकता है या ये ऐसे टिक सकता है, तो अब गैसिंग में इसको ऐसे रखूँगी ताकि जो भी सामने से आ रहा है उसको भी दिख जाए, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर ये ऐसे होगा, हो सकता है बट देन फिर ये और ये आगे ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, तो मैं सोच रही इसको ऐसे करती हूँ ना, तो एज भी नहीं लगेगा और ऐसे काम भी हो जाएगा और सामने सुंदर भी लगेगा। फिलहाल यू आर रिटायर्ड ना, आप अपनी रिटायरमेंट इन्जॉय करें। वो एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसको रिप्लेस करने के लिए तीन नए कोवर्कर्स रखने पड़े हमें, इफ यू नो व्हाट आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। ये है इनका डे वन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखते हैं ये कैसे करने वाले आगे वाले दिनों में काम, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, सॉलिड क्यूट, तो देखते ही देखते कब इतनी रात होगी पता ही नहीं लगा, डिनर की प्रेप के बाद मैं इतनी बिजी हो गई वेदा के साथ और खाना बनाने के साथ कि मुझे रिकॉर्ड करने को भी याद नहीं रहा, विच इज स्टिल एन इशू विद मी, क्योंकि मैं भूल जाती कि मुझे रिकॉर्ड भी करना होता है बीच बीच में, बट एनीवे हमारा डिनर हो चुका है, बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था, और अब हम सब आ चुके हैं सोने के लिए, और आज पहली बार हुआ इतने टाइम में कि वेदा डिनर के टाइम नहीं उठी, तो मुझे खाने को भी अच्छे से मिला है, आज हमने फाइनली एक मील साथ में शेयर किया, वरना हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि अब हम दोनों साथ में बैठ के कभी खाना नहीं खाते ना, क्योंकि किसी एक को वेदा को उठाना होता है, बट आज वेदा ने कहा कि आप लोग अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं साथ में, तो आज हमने अपना डिनर साथ में किया है, अब बस सोने की तैयारी है, और आज इसका काजल भी नहीं फैला है, वो अभी तक वहीं पी है जहाँ होना चाहिए, और आज वो डाक मंगल सिंह नहीं बनी, तो करती मैं इस वीडियो को यहीं इस नोट पे एंड। आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहा हो, मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा था क्योंकि हमने खाया पिया और रेस्ट ही किया पूरे वीकेंड में, और मिलूंगे आप सभी लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू सून, बाय।